मथुरा जनपद में छाता क्षेत्र के ग्राम खायरा में स्ट्रॉबेरी इंटर कॉलेज में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद्र स्वर्गीय पूर्व विधायक किशोरी श्याम की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें दिनेश चंद का स्वर्गीय पूर्व विधायक किशोरी श्याम के सुपुत्र राजवीर ने उनका दुपट्टा पहनाकर और चित्रपट देकर स्वागत किया, जिसमें भाजपा के पूर्व सांसद तेजवीर सिंह और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत किया। दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, हम सभी को एक मत होकर रहना चाहिए और 23 दिसंबर को अयोध्या में राम मंदिर का एक मंजिल का निर्माण पूरा हो जाएगा और 2-3 मंजिल का निर्माण चालू रहेगा। कार्यक्रम के मौके पर पूर्व विधायक प्रणव पाल, ब्लॉक प्रमुख शोभराज, भाजपा नेता तरुण सेठ आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वर्गीय श्री किशोरी श्याम जी इस गांव के मूल निवासी, राष्ट्रीय संसद संघ के अच्छे कार्यकर्ता, मैं उस समय जिला प्रचारक था, वो हमारे तहसील प्रचारक थे। शाखाओं का बहुत बड़ा विस्तार उन्होंने किया तथा एक संसद के नाते से हिंदू समाज में जागरण किया। इस इलाके में बहुत गायें चराने वाले ग्वाला, उनमें से कितनों को उन्होंने संसद बनाया है, कईयों के तो मैं नाम भी जानता हूँ। ये उनके कर्तित्व का संदेश है। एक दूसरी बात, उनकी स्मृति में अनावरण मूर्ति का होना, विद्यालय का नाम होना, ये सामाजिक व्यवस्था परंपरा के हिसाब से है। ये परिवार के नाते उनको बहुत धन्यवाद। तीसरी बात, राम जन्म श्री राम जन्मभूमि का जो मैंने विषय निकाला, तो स्वाभाविक रूप से हम विश्वास के साथ अब कह सकते हैं कि 2023 दिसंबर पहली मंजिल पूरी हो जाएगी और दूसरी तीसरी मंजिल और 161 फुट का शिखर ये साइड से बनता रहेगा। अनुष्ठान दिसंबर 2022 से प्रारंभ हो गया, नियमित चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व भी तमाम अनुष्ठान के जो आवश्यक नियम हैं अपनी सनातन संस्कृति और परंपरा के साथ, वो पूरे होंगे तथा उत्तरायण की प्रतीक्षा के कारण 15 जनवरी को इस बार सूर्य उत्तरायण आ रहा है, तो 2024 15 जनवरी से सूर्य उत्तरायण जो है, तो रामलला अपने राम भक्तों को देश विदेश से दर्शन अर्चन पूजन के लिए खुल जाएंगे। सबका स्वागत।